हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स्ट्रा बॉय और इन भैया का नाम है रोहित। रोहित जी हैं अर्बन कंपनी से और ये आज आए हैं सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। सोफ़ा क्लीनिंग की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? तो दोस्तों एक्चुअली हम आए हैं 6 महीने बाद और 6 महीने बाद कुछ फंगस की स्मेल हो गई थी हमारे सोफ़े में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फंगस और मोल्ड के जो स्पोर होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं और जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा इसका, तो आप खुद समझदार हो। तो इसलिए मैंने इन भैया को बुलाया। तो अगर आप थाने या मुंबई में हैं तो इन भैया को बुला सकते हैं। इनका नाम है रोहित। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने सर्विस दी थी, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग करी थी, बहुत टाइम इन्होंने आपने दिया है इसमें क्लीनिंग के लिए। तो आपको ये बता दूं कि क्लीनिंग दो तरीके से करी जाती है। पहले ये साफ़ करते हैं, ड्राई मतलब ड्राई क्लीनिंग होती है, ये जो वैक्यूम क्लीनर है इससे साफ़ करते हैं। पहले जितना भी डस्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है इनका जो वैक्यूम क्लीनर है। तो पहले ड्राई होगा, फिर उसके बाद लिक्विड वॉश होगा जिसमें ये कोई केमिकल इसमें डालते हैं पानी में, और फिर उसके बाद उससे ये क्लीन करते हैं। तो आपको दोनों दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना कि कैसे क्लीनिंग होती है, क्या ये जो हम पैसे दे रहे हैं क्लीनिंग के लिए, सोफ़ा क्लीनिंग के लिए, वो उसको जस्टिफाई भी करता है, वर्थ है या नहीं है, ये सब आप देख लेना कि कितने अच्छे से करते हैं। तो ये देखिए, तो कुशन वगैरह ये उसको भी साफ़ करेंगे, ड्राई क्लीन कर रहे हैं फ़िलहाल तो अभी। और फिर इन्होंने मुझसे पानी की एक बकेट मांगी जिसमें इन्होंने अपने कुछ केमिकल्स वगैरह डाले, ठीक है, डिटर्जेंट और पता नहीं शैम्पू और क्या क्या था, तो वो सब डाला इन्होंने। देखिए दोस्तों, कुछ हद तक तो हम भी घर पे कर सकते हैं, लेकिन जितना प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने किया वो मेरे ख्याल से हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए, तो वो सब तो नहीं हो सकता था। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ठीक लगा कि मैंने इनको पैसे दिए और इन्होंने जो क्लीनिंग करी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई और मेरा जो सोफ़ा है बिल्कुल क्लीन हो गया। तो चलिए ठीक है, आप वीडियो देखिए एंड तक, और वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। वहाँ मुझे ज़रूर बताना कि भैया ने जो सर्विस करी है आपको पसंद आई या नहीं आई, मतलब आपको लगा कि अर्बन कंपनी की ये जो सर्विस है सोफ़ा क्लीनिंग की ये वर्थ करती है या नहीं करती। तो अच्छे से शैम्पू वगैरह लगाने के बाद अब बारी है फिर से वैक्यूम क्लीनिंग की। तो जी करीब 1-1.5 घंटा बिताने के बाद कुछ ऐसा चमक के आया था सोफ़ा हमारा। अभी थोड़ा गीला था तो भैया ने बताया कि मतलब 4-5 घंटे रखना चाहिए कम से कम फैन ऑन करके, या फिर अगर आप इवनिंग में करा रहे हैं तो अच्छा है कि आप अगले दिन ही मॉर्निंग में इसको यूज़ करें ताकि ये सूख जाए अच्छे से, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने फ़ैन वगैरह ऑन कर दिया था। हाँ वही। तो चलिए दोस्तों, क्लीनिंग तो हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी खाना वाना खा रहे हैं तो अभी मत देखना वीडियो, स्किप कर दो या फिर बाद में देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि अभी अब मैं दिखाऊंगा कि इस बक्से में मतलब ये जो कंटेनर है इसका, इसमें कितना जो डस्ट है वो इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो वो देखने के लिए इसको हम ओपन करते हैं और फिर इसको ले चलते हैं अपने बाथरूम में, ठीक है। वहाँ पर इसको खाली करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे वहाँ पर।
काफ़ी अच्छे से की उन्होंने क्लीनिंग जो है, मुझे तो मतलब पसंद आई। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया ने कितने अच्छे से सफाई करी या नहीं करी। टाइम दिया है ना, और मेरे ख्याल से सोफा चमक रहा है, अभी सूख जाएगा तो पता चलेगा कि जो मैंने बकेट देखी थी इनकी उसमें तो काफ़ी सारा गंद निकला, काफ़ी मिट्टी निकली है। तो मुझे तो लगता है कि जो मैंने पे किया है इसके लिए सोफे के लिए, मतलब मेरे तो पैसे वसूल हो गए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टाटा बाय, ठीक है, हाथ उठा के जाए।